सुस्वागतम आप सभी का करता हूं मैं करदम रावल एक ऐसे यूट्यूब चैनल के अंदर जहां पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा यूपीएससी और बैंकिंग एग्जाम्स का ज्ञान और करंट अफेयर का नॉलेज यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर रिसेंटली 2018 के अंदर बहुत ही सारे लास्ट वीक के अंदर अनाउंसमेंट किए और उसी अनाउंसमेंट के अंदर एक अनाउंसमेंट था कि अब जो है अमेरिका सीरिया से अपने आप को विड्रॉ कर रहा है। तो इसी के साथ उन्होंने दूसरा भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी ट्रूप्स हमारे यहाँ पर डिप्लॉयड है उनको भी हम आधा कर रहे हैं, यानी कि अगर वहाँ पर 10,000 ट्रूप्स है तो उनमें से हम 5,000 को वापस अपने देश बुला रहे हैं। तो इसके पीछे जो है क्या कहानी है और क्या इतिहास यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है ये हम देखेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, इससे पहले दो बार ट्रंप के अंदर रह चुके बराक ओबामा, दोनों की जो काम करने की प्रणाली है वो काफी डिफरेंट है। शटडाउन के भी बारे में आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मेन बात ये हो रही है कि सीरिया के अंदर जो अमेरिकन ट्रूप्स है उनको वापस बुला लिया जाएगा। इसके पीछे स्टोरी क्या है और इसके पीछे जो है कारण क्या दिया गया है, रियल कारण क्या है और क्या कारण इंटरनेशनली बताया गया है। तो यहाँ पर जो है मिडिल ईस्ट की जो लोकेशन है उसके अंदर सीरिया जो है इसका जो प्रेजेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर है। यहाँ पर जो है काफी ग्रुप्स के बीच में जो है दरारें और टकरारें चल रही थी। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, दोनों ही जो है अपने आप से इस कंट्री के अंदर अपनी मदद पहुंचाने का और अपना यहाँ पर जो है पैर जमाने का एफर्ट कर रहे थे। तो तकरीबन यूएस को यहाँ पर हर साल 450 बिलियन रुपए का यहाँ पर खर्च हुआ करता था, उनकी जो आर्मी यहाँ पर है और उनको जो सर्विसेज मुहैया कराती जाती है, तो उसी के कारण यहाँ पर जो है 450 बिलियन का यहाँ पर जो है कॉस्ट आया करता था। और यहाँ पर जो है आज भी यूएस जिस टाइम फ्रेम के अंदर और जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है तो उस सपोर्ट के अंदर जो है यहाँ पर कुछ भी रिजल्ट्स निकल के नहीं आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है हम लोकेशन की बात अगर हम करेंगे तो सीरिया के आसपास आपको देखने को मिलेगा कि इसकी बॉर्डर जो है वो टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल, लेबनन जैसे कंट्रीज के आसपास बनती है। इवन सीरिया के पास जो है वो समुंदर का किनारा भी थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज करने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है चल क्या रहा है, अब यहाँ पर जो है डमास्कस जो है वो सीरिया का कैपिटल है और यहाँ पर असद जो है वो इस कंट्री को चलाते हैं। तो असद को जो है बशर अल असद इनकी जो सरकार है उनको जो सपोर्ट मिलता है वो मिलता है रशिया से, और ये आज की बात नहीं है बल्कि 1970s के टाइम फ्रेम से जो है रशिया जो है अपना डोमिनेंट स्टेटस सीरिया के अंदर बनाए रखने के लिए मदद प्रोवाइड करता है। बाद में जो है यूएसएसआर के बाद 1990 के बाद रशिया बनता है, तो रशिया भी जो है इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। 2000 की साल से व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे और इम्प्रोवाइज रिलेशन बना के रखे हुए हैं और असद की सरकार को जो है और भी मजबूत बनाने में अपना एफर्ट लगा रहे हैं। वेरेज जो यहाँ पर इश्यू सीरिया के अंदर इंटरनल है वो ये है कि सीरिया के अंदर जो है कुर्ज और इदलिब्स नामक दो तरीके के लोग है और यहाँ पर कुछ रिबेलियन ग्रुप है। तो यहाँ पर एक ऐसा पार्ट है कंट्री के अंदर जो कहता है कि सीरिया का एक टुकड़ा हो जाए और वो एक एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री निकल के आए, उसके लिए यूएस सपोर्ट करता है कुर्दिश लोगों को। अब यहाँ पर बशर अल असद जो है उनकी सरकार जो है और उनकी आर्मी जो है वो रशिया की मदद से जो है जो विद्रोह हो रहा है देश के अंदर उसको रोकने की और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ रिबेलियन ग्रुप्स है जिसको भी यूएस इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, और वो रिबेलियस ग्रुप जो है वो ये चाहते हैं कि असद की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कैसे भी करके देश से जो है वो कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू करे या फिर खत्म हो जाए उनकी सरकार का यहाँ पर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर जो है सीरिया की वॉर जो है उसके अंदर जो है आइसिल नामक जो संस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इतिहास के टाइम फ्रेम से अगर हम देखें तो आइसिल्स नामक जो ग्रुप है वो पहले बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन आज जो है ये ग्रुप जो है वो काफी छोटा पड़ गया है और इनके पास जो है इतना ज्यादा आज पावर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, लोग भी नहीं है। वेरेज यहाँ पर अगर मैप में आप देखने की कोशिश करोगे सीरिया की बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर जो है बशर का यहाँ पर डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा है और कुर्स जो है वो अपने ही एक रीजन के अंदर एक पार्ट के अंदर जो है वो यहाँ पर अपने आप से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यूएस ने जो है कुर्स को भी बहुत ज्यादा मदद की और आइसिल्स को भी बहुत ज्यादा मदद की, लेकिन यहाँ पर इसका जो रीजन है वो ये है कि उनकी सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर इनके पास एक स्ट्रेटेजिक तरीका नहीं था। कुर्स की पॉपुलेशन जो है वो आज 7 से लेके 12% तक की है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्प्लीट डेटा कोई भी तरीके का अवेलेबल नहीं है। और डमास्कस के अंदर अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि कोबानी, आफरीन और वग
वगैरह तरीके के यहाँ पर जो एरिया से यहाँ पर जो है अशत का यहाँ पर पूरा साम्राज्य बिखरा हुआ है। तो पूरा यहाँ पर जो सीरिया है उस कंप्लीट सीरिया के मैप के अंदर 2000 यूएस के ट्रूप्स है, और इस 2000 यूएस के ट्रूप्स को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए यूएस को ढेर सारा पैसा लगाना पड़ता था। सीरियन डेमोक्रेसी फोर्स जो है उसके साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं और उनको सिर्फ गाइड करते हैं। कुर्दिश रिबेल ग्रुप को भी ये जो है इन तरीके से सपोर्ट करते हैं, लेकिन यूएस जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 40 सालों से अपना एफर्ट लगा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से सीरिया के अंदर अपने पैर जमा सके। लेकिन यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन, जिनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो काफी अच्छी है, तो इसी के रूप में हमें देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने यहाँ पर एक समझदारी पूर्वक काम किया कि हम जो है यहाँ पर पहुंच नहीं सकते, रशिया जो है काफी आगे निकल गया है और असद जो है उनकी भी सरकार यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं या करवाना चाहते हैं ये आज के टाइम फ्रेम के अंदर सही नहीं है। तो उन्होंने इसी के कारण जो है यूएस ने विड्रॉ कर लिया सीरिया से। इस वीडियो के अंदर इतना ही, और अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, कमेंट के अंदर अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल से मत भूलिए।